नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हितेश टेक्निकल सपोर्ट केंद्र की ओर से आप सभी को मैं स्वतंत्रता दिवस के ऊपर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं आपका कि आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हो और इसी प्रकार से मेरे चैनल से आप जुड़े रहें। तो आज मैं स्वतंत्रता दिवस के ऊपर आपको कुछ संदेश देना चाहता हूँ मेरी तरफ से, या जो मैं सोचता हूँ वो आपको बताना चाहता हूँ। स्वतंत्रता दिवस के ऊपर हम आज़ादी से संबंधित बातें करते हैं, लेकिन क्या हम वास्तविक रूप से आज़ाद हैं? शायद आपका जवाब यही होगा कि नहीं है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की जो कुर्बानियां हैं, क्या वो वास्तविक रूप से अभी तक हमने उसको काम लिया? इन्होंने जो देश के लिए कुर्बानियां दी, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। और उन्होंने जो युवा पीढ़ी के लिए किया, वही जोश आज भी युवा पीढ़ी के अंदर होना चाहिए। वर्तमान में युवा पीढ़ी जो है पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, शराब आदि का सेवन करके अपने आप को खुद कमजोर साबित कर रही है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आज से ही आप ये शपथ ग्रहण करें कि मैं किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूंगा। और उसके बाद युवा पीढ़ी के साथ साथ महिलाओं को भी संदेश देना चाहता हूं कि वो सबसे ज़्यादा जो लिप्त है वो है अंधविश्वास, आडंबर, टोने टोटके इत्यादि के अंदर। तो उन सबसे मैं निवेदन करना चाहूँगा, उसमें पुरुष वर्ग भी है, लेकिन पुरुष वर्ग 20% है, 80% महिलाएं। तो किसी भी प्रकार के अंधविश्वास, आडंबर जो है उस पर विश्वास नहीं करें। विज्ञान ने जो साबित कर दिया उसी को आप माने, इसके अलावा सब आडंबर होता है। कोई भी मंत्र आपकी बीमारी यदि कोई है तो उसको ठीक नहीं कर सकता। हाँ, भगवान के अंदर श्रद्धा होती है, लेकिन वो स्वार्थहीन है। भगवान के हम पास हम जाते हैं तो वो स्वार्थहीन, आपसे कुछ भी नहीं मांगता। लेकिन वर्तमान समय के अंदर आपने बहुत सारे उदाहरण भी आ गए हैं पीछे, ये जो भगवा वेश धारण करके इसके पीछे 2 नंबर का काम करते हैं, इनसे आप बचें, इनसे आप दूर रहने की कोशिश करें। इनके अंदर साधु संत भी होते हैं, जो वास्तव में साधु संत के पीछे उनकी जो सोच थी साधु संतों के पुराने समय के अंदर उनके अनुसार है, लेकिन ज़्यादातर स्वार्थचित करते हैं। तो इनसे आप आडंबर जो है वर्तमान समय के अंदर अंधविश्वास, टोने टोटके जो हैं, इनसे आप बचने की कोशिश करें। इसके साथ साथ समाज के अंदर बहुत सारी कुरीतियां हैं, उनसे भी बचने की कोशिश करें। वर्तमान समय के अंदर सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार ने युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने से रोक रखा है। जो सही व्यक्ति होता है वो आगे नहीं जा पाता। और जहाँ स्वतंत्रता की बात करें तो आपसे मैं एक सवाल करता हूँ, आप सभी से सवाल करता हूँ, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। वर्तमान समय में हर चेयर, हर कुर्सी एक दूसरे के नीचे दबी हुई है। अपने उसको जो अधिकार दिए गए हैं उस अधिकार के अनुसार वो फैसला नहीं कर सकता। क्या ये गलत है? शायद आपका जवाब होगा ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। आप किसी के पास काम करवाने के लिए जाते हैं, वो खुद फैसला नहीं ले सकता कि मैं ये काम करूं। 80% लोग फैसला नहीं ले सकते, 20% लोग आज भी सही है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि स्वतंत्र होना है तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहो। और ये स्वतंत्रता एक व्यक्ति से नहीं मिलेगी, हर व्यक्ति जो है ऐसे ही सोच रखे, ऐसे ही विचार रखे तो निश्चित रूप से वो स्वतंत्र होगा। और जो युवा पीढ़ी जो है उसके अंदर जोश, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने जो पहले
इस देश के लिए कुर्बानियां दी, उनके अंदर जो जोश था उसके अनुसार ही होना चाहिए। लेकिन युवा पीढ़ी जो है नशे के अंदर लिप्त है या बेरोजगारी के अंदर वो गलत कार्य करने लग जाते हैं, दो नंबर का काम करने लग जाते हैं, तो उससे बचने की कोशिश करें। खाना, रोटी, कपड़ा और मकान, तीन चीज़ की आवश्यकता होती है। इसके अलावा शायद चौथी चीज़ आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो इसके लिए एक घंटे भर की मेहनत ही काफ़ी होती है, करना चाहें तो, और इस बेरोजगारी को आप खुद दूर कर सकते हैं। आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हो, इसलिए मैं आपका फिर से स्वतंत्रता दिवस के ऊपर हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। इसी प्रकार से जुड़े रहें, और चैनल से संबंधित कोई आपको अन्य वीडियो बनवाना है तो आप मेरे को कमेंट कर दें। कमेंट करोगे तो मैं वो वीडियो आपको बनाकर भेज दूँगा। तो इसी के साथ मैं अपना जो विचार था उसको मैं पूरा करता हूँ, और इसी प्रकार से आप चैनल से जुड़े रहें। फिर से मैं आपका स्वतंत्रता दिवस के ऊपर आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।